वेलकम टू आकांक्षा राय ब्लॉग्स। और मैंने ऑर्डर किया था एक हेयर स्ट्रेटनर फिलिप्स का अमेजोन से, जो मुझे 950 के अराउंड मिल गया। तो उसका रिव्यू मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। अभी मैंने इसको ओपन भी नहीं किया, सो चलिए साथ में ओपन करते हैं। मैंने सोचा था जब भी मैं इसको ओपन करूँगी ना, तो मैं एक वीडियो शूट करूँगी ताकि आप लोगों को भी इसका रिव्यू मिल जाए। जो भी लोग इसको परचेज करना चाहते हैं ना, वो परचेज कर लें। मैंने भी इसके रिव्यू देखे थे, तो मुझे अच्छे रिव्यूज़ दिखे थे इसके, तो इसलिए रेटिंग भी अच्छी थी इसकी, तो इसलिए मैंने इसको ऑर्डर कर लिया। इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरीके से है, फिलिप्स स्ट्रेटनर, ये HP 8302 है। इसको ओपन करते हैं। सो इसका वायर जो है वो इतना बड़ा है, तो ठीक है उतना। और ये कुछ इस तरीके से, मुझे ना ये छोटा सा लगा, मुझे लगा कि हाँ इससे ना मैं अपने बालों को इजीली स्ट्रेट कर सकती हूँ, क्योंकि ऐसे बड़े स्ट्रेटनर होते हैं ना, तो वो कैरी करने में बहुत दिक्कत होती है, उसको यूज़ करने में प्रॉब्लम होती है, तो इसके लिए मैंने इसको ऑर्डर किया है। ओके, तो यहाँ से मुझे ऑन करना पड़ेगा इसको। यहाँ पर आपको अंदर एक स्विच मिलेगी, इसको आपको ऑन करना होगा। अभी आपको रेड लाइट दिख रही होगी, तो ये ऑन हो चुका है। इसको हम रख देते हैं 60 सेकंड्स के लिए, तब तक मैं अपने बालों पे हेयर सीरम अप्लाई कर लेती हूँ। मैं लॉरियल का हेयर सीरम अप्लाई कर ले रही हूँ अपने बालों पे। अपने बालों पे हेयर स्ट्रेटनर या ड्रायर का यूज़ करने वाले होते हैं ना, उसके पहले आप हेयर सीरम या फिर आप एलोवेरा जेल, नेचुरल एलोवेरा जेल, या आप जो भी जो मार्केट में अवेलेबल होता है वो एलोवेरा जेल, या कोई भी हीट प्रोटेक्टर आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए बालों की सेफ्टी के लिए। स्ट्रेटनर हीट हो चुका है, मैं ना अभी सेक्शंस में डिवाइड कर लेती हूँ अपने बालों को। मैं ना क्लेचर का यूज़ करती हूँ, जब भी मैं अपने बालों की आयनिंग करती हूँ मैं क्लेचर का यूज़ करती हूँ, क्योंकि ऐसे क्या ना सारे बाल फेस पर आते हैं तो फिर दिक्कत होती है। अभी मैंने इतने बालों को लिया है और स्ट्रेटनर हीट हो चुका है। जब भी आप स्ट्रेटनर यूज़ करो ना, मेक श्योर कि आप थोड़ा आप अपने रूट्स से दूर से स्टार्ट करो, ताकि आपके बाल डैमेज ना हो। हाँ, यूज़ करना तो इसको इजी है, बिकॉज ये काफ़ी हैंडी है, यू कैन सी छोटू सा है, तो आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हो। आप थोड़े थोड़े बालों को लेके आयनिंग करोगे ना, उतनी ही अच्छी आयनिंग हो पाएगी। तो मैंने ना अभी जली जली में कर लिया है थोड़ा थोड़ा करके, तो आप देख सकते हो कि अच्छा स्ट्रेटनर है। पहले मेरे बाल बहुत ही करली थी, तो अभी ये आयनिंग हो गई है। बट आप जितने कम बालों को लेके आयनिंग करोगे उतना ही अच्छा आपको रिजल्ट दिखेगा। मैं तो जली जली में कर लिया, बिकॉज मुझे वीडियो शूट करना था। तो इस प्राइस में ये स्ट्रेटनर बेस्ट है, यू कैन डेफिनेटली बाय इट। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हो। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।